उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक मामला सामने आया है जहां एक चाय विक्रेता की हत्या कर उसके शव को नुमाइश मैदान में फेंक दिया गया। रविवार सुबह शव मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया है। बता दें, अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र के फायर ब्रिगेड कॉलोनी का 27 वर्षीय पवन शर्मा चाय की दुकान चलाता था। बीती शनिवार की शाम वो 4 बजे घर से दुकान के लिए निकला था, जिसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा। ऐसे में युवक के परेशान परिजनों ने रात भर उसे तलाशा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसी बीच रविवार सुबह नुमाइश मैदान में बालू के ढेर के पास उसका शव पड़ा मिला। शव के मिलने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसी बीच युवक की पत्नी भी अपनी बेटी को लेकर पोस्टमार्टम केंद्र पहुंच गई। वहीं पोस्टमार्टम में मौत का कारण सिर में गंभीर चीज से चोट लगना पाया गया है। इस पर परिवार ने अज्ञात लोगों पर हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी खुशबू ने बताया कि आखिरी बार रात 12 बजे उसने अपने पति को फोन किया था। उसने 10 मिनट में घर आने की बात कही थी। इस दौरान पीछे से आवाज आ रही थी कि फोन काट जल्दी। इसके बाद फोन नहीं आया और फोन बंद हो गया। पुलिस ने शव परिवार को सौंप दिया है। बता दें, पुलिस मामले में जांच कर रही है। वहीं जांच के आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।